फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज अगर निफ्टी, पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं जो कि कल इस साल का 2023 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सब इंडाइसिस का कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो ईयर का लास्ट वाला सेशन होने वाला है ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद में 2024 शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया और कल निफ्टी के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। तो कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने सुबह किया था मार्क दिया है। तो कल जो हमने ये वाला हाई लगाया था, तो एक मैंने BTST ट्रेड भी दिया हुआ था अपने चैनल पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो मार्केट ने आज गैप अप ओपन हो के फिर क्लोजिंग भी अच्छी खासी दी है ऊपर की साइड में। तो इतना खास मोमेंटम आज कुछ था नहीं मार्केट में, क्योंकि गैप अप होने के बाद में मार्केट मोस्टली साइडवेज ही गया। मंथली एक्सपायरी जैसे ट्रेंडिंग हमें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो कल के लिए मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है 800 का होने वाला है, 21,800 का। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा तब तक लॉन्ग के लिए पोजीशन नहीं बना सकते। और डाउन साइड अगर देखना है तो 700 के नीचे ही हम डाउन साइड के लिए बियरिश पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो लेवल है मैं मार्क कर देता हूँ एक बार 700 का, ये वाला एक लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो हम पुट साइड जा सकते हैं। तो ये वाला टारगेट रहेगा हमारा पुट साइड की पोजीशन के लिए। एक मिनट में मार्क कर देता हूँ इसे। ये वाला टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट वाला 600 का, 21,598 लगभग 600 का ही राउंड नंबर पकड़ेंगे हम। इसके अगर नीचे निकलता है मार्केट तो 21,600 लेवल आ सकता है। ये मार्केट अभी भी बुलिश है तो ये एक स्कैल्प हो सकता है। यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस कर सकता है। और प्राइस एक्शन अगर डाउन साइड का ही बनाता है, कुछ 600 को भी अगर ब्रेक कर देता है मार्केट तो 21,535 यह हमारा टारगेट होने वाला है सेकंड। और थर्ड टारगेट जो होगा ये थर्ड टारगेट 21,497 लगभग 500 ये टारगेट रहेगा नीचे की साइड। और अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो 800 के ऊपर ही लॉन्ग्स बनेंगे। तो ऊपर की साइड टारगेट रहेगा 21,900 जो कि 894 मैंने मार्क किया हुआ है। और ये वाला जो टारगेट मैंने कल निकाला था सॉरी, ये वाला टारगेट मार्केट ने गैप अप होने के बाद ये लास्ट में अचीव किया है। तो ये निफ्टी के लिए पोजीशन ये लेवल्स रहेंगे कल के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इतना कुछ खास मूवमेंट किया नहीं है, एक रेंज में ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। आज जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट लगभग उसी के पास, एग्जैक्टली उसी के पास ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अगर निफ्टी जो है ऊपर 800 के ऊपर अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आ सकता है फर्दर अपसाइड के लिए। तो ऊपर की साइड मार्केट के पास जो लेवल है 600 के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग करेंगे। तो 48,733 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा 48,914, ये सेकंड टारगेट रहेगा। और ये जो हमने पैटर्न फाइंड आउट किया है ये वाला जो मैंने परसों के एनालिसिस वीडियो में भी दिया था, ये जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो दिख रहा है इसका जो फाइनल टारगेट ये 49,278 का ये टारगेट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो मार्केट लगभग 48,200 के आसपास लेके यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट नीचे निकलता है तो नीचे की साइड हमारे पास 48,000 का ही टारगेट आएगा।
200 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्या बन रहा है, मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा है या सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, या यहाँ से कुछ बाउंस लेके फिर से वापस ऊपर की साइड में आता है, तो 400 का हमारा टारगेट रहेगा बाउंस अगर आता है तो यहाँ से जब 400 ब्रेक करेगा तो 200 पॉइंट का एक टारगेट हमें मिल सकता है नीचे की साइड 48,200 तक, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट रीजन है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ ज़्यादा डिटेल्स एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लेवल्स है सॉरी लेवल्स मार्किंग किए हुए हैं मैंने, तो आप ये लेवल मार्क करके रख सकते हो कल के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो देखते हैं अभी कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और नए साल में हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।